हाँ अब विजिबल है। अच्छा तो नए वाले बैच से तो 3 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 लोगों को बोला है तो अभी दिख नहीं रही है। तो मोस्टली हम लोग है ना आज का सेशन पूरा शुरू करते हैं। गीता आप आ चुके हो? गीता है, विशाल के नाम से कौन है? गीता है। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है। तो मोस्टली अपन लोग आज पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैंने मोस्टली तो सारे फोटोज तो ग्रुप में डाल ही दिए है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स कर सकते हो, क्या क्या उसकी कॉस्टिंग आती है दिवाली में, और अपन यही सब आज डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली मैं स्टार्ट करता हूँ पहले दिवाली दियाज से। दिवाली दियाज में हम लोग है ना, एक सेकेंड। अच्छा, दिवाली दियाज में हम लोग हमको 2 टाइप के दियाज आते हैं मोस्टली। एक दिया है जो नॉर्मली टेराकोटेड दियाज आते हैं, जो एकदम मिट्टी वाले दियाज आते हैं। मिट्टी वाले जो दियाज आते हैं वो रेड कलर के आते हैं। वो दिया आपको मार्केट में 1 रुपये में मिल जाएगा, 1 रुपये के 50 पैसे में भी मिल जाएगा, बट वही है कि आपको वो 1 डजन से 24 पीसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो और दिया जाते हैं ना, ये डिजाइनर दिया है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये 4 पीसेस का सेट 35 रुपीज का आता है। ये अपनी, ये हम लोग जिस मैन्युफैक्चर के पास से लेते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये है, इसमें और भी डिजाइन है। ये देखिए, ये आपको मेरा वीडियो फुल स्क्रीन दिख रहा है या शॉर्ट दिख रहा है, मेरे को ये बताना। बहुत, बट आई एम यूजिंग फ्रॉम मोबाइल, आई डोंट नो हाउ आई कैन मेक इट फुल स्क्रीन। सॉरी, हाँ, तो प्रिंट कर दो। हाँ, ठीक है, तो प्रिंट कर दो, क्योंकि मेरे को ये मोबाइल में फुल स्क्रीन कैसे होता है वो मेरे को नहीं पता, ऐसा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्लियर दिख रही है क्या आपको, मैं जो दिखा रहा हूँ वो? ओके, तो ये इस टाइप, ओके, तो ये है ना, ये इस टाइप के दीवार दिया जाते हैं जो आपको 35 रुपीज में पड़ेंगे। 35 रुपीज में 4 पीसेस, ये आराम से, मैं बोल रहा हूँ आपको 129, 149 में आराम से जाएंगे, प्लस 70 रुपीज आप कुरियर लगा लो, ठीक है। तो आप आपका प्रॉफिट मार्जिन देख लो कि 2-3 टाइम्स और 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। कमी मीशो पे निकाल, मीशो पे करोगे तो उसका कमीशन निकाल के आपको आराम से 80-100 रुपीज मिलेंगे पर प्रोडक्ट पे। और अमेजोन पे निकालो तो अमेजोन में 22% लेके जाता है अमेजोन इस कैटेगरी में, मतलब अमेजोन टेक्स अराउंड 17.5% कमीशन, बट जीएसटी के साथ वो 22.5% पूजा सामग्री कैटेगरी, होम ये जाता है होम एंड डेकोर कैटेगरी में। तो मोस्टली अपन जब नेक्स्ट वीक, जब नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जब होगा ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दिवाली के प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स कैसे होती ना, उसकी मैं एक प्रॉपर एक्सेल फाइल भी बना दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कि ये कैसे लिस्ट होते हैं। इसके बाद की नेक्स्ट प्रोडक्ट हम ये ले रहे हैं कि गिफ्ट बास्केट्स। गिफ्ट बास्केट्स समझ लो बहुत सारे आते हैं, जिसमें कटोरी भी आती है, ड्राई फ्रूट बैग्स भी, पोटलीज भी आती है, और ड्राई फ्रूट कप्स भी आते हैं जिसमें हम लोग हैंडमेड चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताऊं और क्या चीज होगी। हम लोग बड़ी मिठाई की शॉप्स में जाते हैं, वहां तो हम लोग बड़े बड़े ये देखते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट बास्केट देखते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, एक छोटा सा एक बास्केट है, इसके अंदर हम हैंडमेड चॉकलेट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा ये। ये देखिए, ये जो बाउल है, ये बाउल आता है सिर्फ 25 रुपीज का, ये मैंने मेरे मैन्युफैक्चर के पास से लिया है। इसके अंदर हम लोग चॉकलेट्स डाल के हैंडमेड चॉकलेट्स बेच सकते हो। इसमें आप हैंडमेड चॉकलेट्स है ना, आप आपके वहाँ सिटी में या कोई फ्रेंड सर्कल में भी देखोगे ना, आपको इसका सप्लायर मिल जाएगा। पर पीस हैंडमेड चॉकलेट का 3-5 रुपीज में पड़ता है, ये आराम से आपका 120, 150 टू 199, आप जितनी चॉकलेट्स भरो उस हिसाब से इसको बेच सकते हो। अमेजोन पे तो 4.5% कमीशन लगता है चॉकलेट कैटेगरी में, और मीशो पे तो 0% है, मतलब वही है, कुरियर के साथ आप इसको 150 प्लस 92 70-220 में बेचो। इसके साथ आप और भी कुछ कॉम्बो तो आपके दिमाग में आता है तो आप लगा सकते हो। यही चीज के साथ मैं दूसरी, ये प्रोडक्ट ये देखिए, इसमें ये 25 का है और ये कुछ 23 रुपीज का है, ये उसका दूसरा वेरिएशन है। ये देखने जाओ तो नीचे बाउल है और ऊपर एक ये टाइप की इन्होंने पोटली लगाई है। ये जो पोटलीस आती है ना, ये पोटलीस बहुत सस्ती आती है। आप देखने जाओगे, तो लोग मंदिर में भी जाते हैं ना,
तो ऐसे पोटली से यूज करते हैं, और ये पोटली का भी बिजनेस है ना पूरा साल चलता है। आप पोटली का देखना अमेजोन पे, काफी काफी सेलर्स है जो लोग पोटली सेल करते हैं, और ये पोटली जो आती है ना वो 1.5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया पर पीस आती है, और जितने लोग होंगे ना वो मल्टीपल ऑफ 25, 50, 100 ऐसे बेच रहे हैं। मतलब समझ लो 25, 50, 100 पोटली करम आराम से लोग 700 से 800 से 1000 रुपए में बेचते हैं। ये ऊपर वाली नेट वाली पोटली 100 पोटली 300 रुपए में आती है, और लोग 1000, 1500 रुपए में बेचते हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन पोटली में बहुत जबरदस्त है। तो आप लोग सर्च करना कि आपके आजू बाजू आपको पोटली मिलती है कि नहीं। मैं वापस बोलता हूँ, दिवाली के टाइम पे पोटली बहुत बिकती है, और चॉकलेट गिफ्ट बास्केट भी आप बना सकते हो। ये देखिए मैंने क्या बताया, ये चॉकलेट गिफ्ट बास्केट 99 कोई भी दे देगा, इसका इंसान बहुत सोचेगा नहीं। ये प्रोडक्ट 25 रुपीज की हैंडमेड चॉकलेट, समझ लो आपको आपको अगर 3 रुपए में पड़ती है हैंडमेड चॉकलेट, 10 हैंडमेड बड़ी चॉकलेट्स डाल दो इसके अंदर 10 है, और ये नॉर्मली कोई भी शॉप में ये नॉर्मली कोई भी शॉप में आपको 149 के नीचे ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं थालीस पे। चलो एक सेकेंड, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लो, तो मेरे को आगे क्या बात करनी तो वो पता चले। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो। हाँ। देखो ये है ना सारी चीजें कैटेगरी वाइज होती है, मतलब ज्वेलरी में ना अमेजोन 27-28% लेके जाता है, बट वही चीज अगर वो वही प्रोडक्ट को आप चॉकलेट के साथ चॉकलेट कैटेगरी में डाल दोगे ना तो उसकी उसकी कमीशन 4.5% हो जाएगी। वो रोहित मैं वापस तुमको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी कैसा है कि वो पूरा एक अलग टॉपिक है कैटेगरी कमीशन का, तो वो मैं तुमको आराम से समझाऊंगा वो चीज, ठीक है। वो मैं पर्सनल लेवल पे तुमको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ है किसी का कोई क्वेश्चन, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके फाइन, इसके आगे अपन लोग चलते हैं पूजा थालीस पे। पूजा थालीस आती है पूजा सामग्री कैटेगरी में। ये थालीस कैसा है, पूजा थालीस जो है वो राखी पे भी बिकती है, दिवाली पे भी बिकती है, और वैसे पूरा साल भी बिकती है, ठीक है। बट पूरे साल में कैसा है कि शायद आपको इतने ऑर्डर्स ना आए, बट ये दो फेस्टिवल्स के टाइम पे तो चलती है। मेरे ख्याल से थाली जो भी फेस्टिवल आता होगा उस टाइम पे शायद चलती होगी। मेरे को ये नहीं पता करवा चौथ में पूजा थाली चलती है कि नहीं चलती है, बट मैं मेरे वेंडर के वहाँ 3 दिन पहले गया था, तो उसके वहाँ करवा चौथ की भी वो एक जाली वाली वो थी, और उसके जाली वाली एक प्लेट थी, और उसके साथ कुछ और भी था। पूजा थाली मैं दिखाऊं तो पूजा थाली में ना बहुत सारी टाइप की थाली आती है, बट हमारी जो थाली थी ना वो मोस्टली मीनाकारी थाली थी मैंने जो ली है। मैं नॉर्मल थाली तो लेता ही था, बट इस बार कैसे कि थोड़ा डेकोरेटिव डिजाइनर थाली थी। जैसे ये पूजा थाली देखो, इसमें ना मोर दिख रहे होंगे, ये सीधा आपको दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, दोनों साइड से दिखाता हूँ। ये मेटल, थोड़ा मेटल बेस है, ये प्लास्टिक नहीं है, और ये थोड़ा सा मजबूत भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा मटेरियल है। ये एक है, ये डिजाइन समझ लो ना, ये डिजाइन हमको करीबन 55 रुपीज में पड़ी है, और ये एक दूसरी मीनाकारी वर्क वाली, इसके अंदर वर्क देखो आप थोड़ा, तो ये वर्क भी देखोगे ना, ये मेरे को करीबन पड़ी है 95 रुपीज में पर पीस। ये इसमें भी मेरे पास 3 से 4 डिजाइन मेरे को मिली है मेरे वेंडर के पास है। और ये सबसे छोटा वाला पीस, ये शायद आपने मीशो पे भी किसी ने पूजा थाली सर्च किया हो तो देखना, ये थाली आती है 35 रुपीज की, ये एक छोटा सा है। तो ये थाली के साथ आप कॉम्बोज कैसे बना सकते हो मैं बताता हूँ। ये थाली के साथ आप हैंडमेड चॉकलेट्स कर दो, ठीक है, या इसके साथ आप कोई ये कर दो, क्या बोलते हैं, कैंडल्स कर दो, ठीक है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे अपन लोग कैंडल्स भी करते हैं, स्टेंसिल्स भी रंगोली करते हैं, रंगोली कलर्स भी करते हैं, तो इसका एक कॉम्बो भी बना सकते हो। बट यही ट्राई करना कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग विद इन 100 रुपीज आ जाए। जैसे मैंने ये बताया कि जो चॉकलेट्स वाला बताया, तो 25 का हैम्पर और 30, 35, 40 रुपीज तक की चॉकलेट, और 27 रुपीज की थाली ले लो या 35 की ले लो या 45 की ले लो। अपने को ये ट्राई करना है कि अपना कॉम्बो 100 से लेके 120 या 130, 125 से ऊपर अपने को कोई भी कॉम्बो बनाना ही नहीं है, क्योंकि
कॉम्बो आपका जितना महंगा जाएगा पर वो कॉम्बो अगर रिटर्न आया ना तो इट विल हर्ट यूर लॉट. तो 125 वाला कॉम्बो आपका आराम से 300 रुपीज में बिकेगा. मीशो का कमीशन 70, मीशो का कुरियर 70 रुपीज लगा लो, आराम से लोग 350, 370, 400 रुपीज तक देंगे देंगे और देते ही है. मेरा लास्ट ईयर का भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे तोरण बहुत अच्छे बिके थे. ऐसा मैं अगर मेरी तोरण की सेल अगर मेरे पास अभी एक्सेस नहीं है पर मैं कभी बताऊंगा आपको कि मेरे एक महीने के अंदर तोरण कितने बिके थे. और इवेंटो ट्रेडिंग करके तोरण करके मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, ठीक है, हम लोग पिछले एक साल से तोरण बेच रहे हैं. उसमें देखना इवेंटो ट्रेडिंग तोरण पिछले एक साल से जितने तोरण है हमारे प्रोडक्ट्स रैंकिंग्स में है, काफी अच्छे रैंकिंग्स में. हाँ, अमेज़न चॉइस लिख के आता है उस प्रोडक्ट के ऊपर. हाँ, और उस तोरण के समझ लो वो जो तोरण का हमारे को ऑर्डर आता है ना, वो तोरण नॉर्मल तोरण जो तोरण हमारे रैंकिंग में, वो तोरण 250 रुपीस का है. हम लोग उस तोरण को 700 से 780 के बीच में बेचते हैं, ठीक है. तो सब कमीशन निकाल के भी हमको एक प्रोडक्ट पे 200 से 250 रुपए मिल रहे हैं. और उसका उस प्रोडक्ट का कैसे मैं आपको बताऊं रोहित, वो प्रोडक्ट का मेरे को हमको आराम से हर महीने 50-80 ऑर्डर आते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का. तो एक चीज अमेजोन में बड़ी क्लियर है कि अगर आपकी प्रोडक्ट कोई भी जो भी प्रोडक्ट रैंकिंग में विदिन 100 वाले विदिन 100 में आ गई ना, फिर उस प्रोडक्ट का इतने ऑर्डर आते हैं ना, फिर आपको वही प्रोडक्ट प्रोक्योर करना है. या तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ा है उसकी फोटो इमेज चेंज करके वो फोटो लगा दो. ये चीज हो गई. अब मैं बताता हूँ एक लटकन चीज. लटकन नहीं हैंगिंग डोर के बाद अपन हैंगिंग करते हैं, ये चीज आपको दिख रही होगी. क्लियर आ रही है फोटो? हाँ, विंडचिम बोल सकते हो, ठीक है. ये एक विंडचिम 120 रुपीज वाली है, ये एक विंडचिम, ये दूसरी वाली सिंगल विंडचिम है, ये करीबन 60 रुपीज वाली है. तो इसमें भी कैसा है कि हम लोग करीबन 8-10 डिजाइन लेके आए. विंडचिम वाली समझो ना, जो भी डिजाइन है ना वो 55 से लेके 100 रुपीज के बीच में ही हम लोगों ने ली है. और इसमें भी बहुत सारे डिजाइन है. विंड चेन्स मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है विंड चेन्स का, बट दिस लुक्स वेरी एथनिक लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार ट्राई करके देख रहे हैं, ठीक है. इस बार आई डोंट नो, मैंने तोरण तो करीबन 100 जैसे डिजाइन लिए, विंड चेन्स के 10 जितने लिए, पूजा 40 करीबन 12 से 15 डिजाइन लिए. दियाज मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे पड़े हुए थे, तो लास्ट ईयर के भी दियाज है. मैंने करीबन लास्ट ईयर 2000 क्वांटिटी ली थी जो मैंने दियाज आपको बताए, ये जो दियाज बताए इसमें से करीबन मेरे पास अभी 300-350 जैसी क्वांटिटी पड़ी, तो वो तो वापस मैं रिसेल में डाल दूंगा, ठीक है. किसी के कोई क्वेश्चन है? गीता, आंचल, रेशमा. हाँ रेशमा बोलिए. ओके फाइन. हाँ नहीं 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 वो अलग से कस्टमर को क्या दिखेगा, ठीक है. अगर आपने उस 125 वाले कॉम्बो की प्राइस 299 दिखी है तो कस्टमर को वो 370 में पड़ेगा, समझे आप? हाँ बोलिए बोलिए, बताइए कंश्याम जी. देखो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको एज अ सिंपल थाली भी बेच सकते हो. इसके अंदर दो छोटी सी है ना वो क्या बोलते हैं कटोरी, छोटी सी कटोरी आती है, ठीक है. पर ये थाली के साथ आप आपके हिसाब से देखो क्या कॉम्बो बेच सकते हो थाली का. इसके साथ आप कैंडल्स भी दे सकते हो अच्छी वाली, इसके साथ आप ये भी दे सकते हो क्या बोलते हैं चॉकलेट्स, मैंने जो बताया चॉकलेट्स रख दे दो. कॉम्बो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कॉम्बो में क्या देना. ऐसे नॉर्मल थाली भी बिकती है, आपको समझ लो ना कि 45 वाली थाली 129 में चली जाएगी, 99 वाली थाली आप 250 में बेच सकते हो. तो देखो मेन कैसे कि थाली इसकी, ये थाली जो है ना उसके ऊपर मीनाकारी वर्क किया हुआ है, तो मीनाकारी वर्क ऐसे देखने में ना बहुत अच्छा लगता है. ये नॉर्मल थाली नहीं है, ये प्लास्टिक की थाली नहीं है, इट्स सम काइंड ऑफ अ एक्रेलिक मेटल, तो दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है और शाइन भी बहुत अच्छा कर रहा है. तो प्राइसिंग और कॉम्बो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है. हाँ अब हम लोग आते हैं तोरण पे, मैं तोरण की डिजाइन सिखाता हूं.
पूरा ओपन तो आई डोंट नो, ये देखो ये तुरंत दिख रहा होगा आपको, ये नीचे से मोती है ऊपर से कापड़ है, ये वन ऑफ द डिजाइन ऑफ माय तोरण है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग मैं बताता हूँ, ये तोरण मेरे को पड़ा है 140 रुपीस मेरी कॉस्टिंग है ये तोरण की। दूसरे को एक दो डिजाइन अभी दिख रहा है, मेरा स्क्रीन चला गया, ओके 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 ओके, ये डिजाइन दिख रहा है अभी आपको, अच्छा ये वन ऑफ द डिजाइन है, ये तोरण मेरे को 140 रुपीज में पड़ा है, ठीक है। मैं और भी एक दो डिजाइन दिखाता हूँ। तोरण हमारे मेरे वेंडर के पास है ना 35 रुपीज से चालू होता है ज्यादातर तोरण है ना, मैंने जो देखे ना कपड़े वाले तोरण ज्यादा दिखते हैं। ये भी देखो, ये एक और कपड़ा है, कपड़ा और नीचे मोती है, ये दिखा, ये दिख रहा है, हाँ ये ऊपर कपड़ा है एक नीचे मोती है। तो यही ऐसे डिजाइन आपको ढूंढने हैं, मैंने वापस बोल रहा हूँ कि तोरण में भी ज्यादातर ऐसे ही डिजाइन देखिए, देखो एक और डिजाइन है, तो ज्यादातर आपको डिजाइन ऐसे ही देखने हैं कि भाई तोरण में। वैसे तो मैं 100 रुपीज तक ही बोलूंगा, बट जैसा कि मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया तो मैं 150 रुपीज तक मैं गया हूँ तोरण में, क्योंकि मेरे को अच्छे पैसे कस्टमर के पास से लेके आने, समझे। तो ये तो तोरण में भी आप जिसके पास भी जाओ, ठीक है, आई वुड स्टिल सजेस्ट दिल्ली में जो है वो लोग सीधा फागुन को कांटेक्ट करो, क्योंकि फागुन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ तोरण, ठीक है, और हमारे वहां भी मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे, बट बेटर इट इज दैट यू फाइंड समवन लोकली, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट वापस मैं ये बोलूंगा कि जो भी प्रोडक्ट लो इसकी एटलीस्ट 6 to 12 क्वांटिटीज हर प्रोडक्ट की लेना, क्योंकि आपको पता नहीं है। हाँ ये चीज हो जाएगी कि वो प्रोडक्ट आपकी पूरे साल चलेगी, मैं एक क्लियर बोलता हूँ कि तोरण हमारा है ना पूरे साल चलता है, ठीक है। जैसे हमारा इमिटेशन ज्वेलरी में इयररिंग्स चलता है, ठीक है, मंगलसूत्र चलता है, ठीक है, चौकर सेट्स चलते हैं। तो मैं शेयर भी करूंगा कि मेरे जो दो अकाउंट्स है ना उसके अंदर इमिटेशन ज्वेलरी मेरी पार्टनर जो चलाती है जबरदस्त, उसको जो सुपर ऑर्डर्स आते हैं, और मतलब मैं कल के दिन में ही मेरे को 40 इयररिंग्स के ऑर्डर्स थे, और मेरा तो कैसे कि उसमें भी 2-3 डिजाइन तो इतनी चल रही कि मेरे को हर महीने उसका स्टॉक करना पड़ता है। तो हाँ, किसी की कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। किसका क्वेश्चन है, नीतेश भाई आप बोल रहे हैं? नीतेश भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वेंटरी मैनेज कैसे करता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ तो, ठीक है, जैसे मैं और आप साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक है ना एक कॉमन एसकेयू बना देता हूँ अपने दोनों के बीच का। अपन जैसे माल लेते हैं वहां से, तो अपने को उसके प्रोडक्ट के ऊपर या तो फिर एसकेयू नंबर होगा या तो फिर नहीं होगा, या तो फिर ईएन नंबर होगा या तो फिर नहीं होगा। मैं इन्वेंटरी कैसे मैनेज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट राखी के अलावा, राखी में तो कैसा कि मेरा वेंडर काफी बड़ा है, बट जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं मैं उसका ना 6 to 12 पीसेस लेता 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 ही हूँ। जैसे मैंने ये थाली बताई तो मैंने सबके 12 पीस ले लिए, मैंने तोरण बताया तोरण के मैंने 6 पीस ले लिए, ठीक है। अब उसका पूरे साल में मेरे को कब ऑर्डर आएगा वो मेरे को नहीं पता है। प्लस मैं क्या करता हूँ, ये हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे एक एसकेयू नंबर मैं मेरा खुद का बनाता हूँ। जब ये प्रोडक्ट पे कोई कंपनी कोई मैन्युफैक्चरर के पास से एसकेयू नंबर नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, सपोज ये प्रोडक्ट है तो इसका एसकेयू नंबर अगर मैं और आप साथ में काम कर रहे हैं तो मैं कैसे करूंगा कि PN जैसे प्रशांत नितेश थाली इसका नंबर दे दूंगा 01 और इसकी प्राइस समझ देखो PN थाली 01 99, तो 99 क्या हो गया इसका प्राइस हो गया थाली का। आपको कैसे समझना है कि ये एक नंबर की थाली है, ये दो नंबर की थाली है, ये तीन नंबर की थाली है, तो PN 02 45 PN 03 27, समझे, इस हिसाब से मैं प्राइसिंग दे दूंगा। और मैंने इन्वेंटरी का तो आपको बताया कि ई कॉमर्स में आपको काम करना हो तो आपको इन्वेंटरी रखना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सी Amazon, Flipkart, Meesho
कोई भी बिजनेस कोई भी लाइन पकड़ो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। एंड ये कैसा है कि देखिए अमेजोन मीशो फ्लिपकार्ट जो भी है वो ऐसा नहीं कि आपने पहले मंथ ला दी और पहले मंथ से ही आपका इनकम चालू हो जाएगा या यू विल बी इन प्रॉफिट्स। ये एक बहुत पेशेंस वाला काम है, इट विल टेक टाइम। आपको ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जब आप मतलब गिव अप कर दोगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को भी ऐसा है, ऐसा नहीं है। हम नीतीश भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, रेशमा मैं बोल रहा हूँ कि राखी में भी हम लोगों ने जितने लोगों को ट्रेनिंग दी थी ना, मैं मेरे खुद की इस बार बात कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर वी हैड 27,000 ऑर्डर्स। कुछ दिन तो हमने ऐसे भी हुए थे कि किसी को ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। लास्ट एक वीक में सबका इतना रन किया है कि मोस्टली सबको ऑर्डर्स बाद में आए, ठीक है। तो नाउ दे आर मोर कंफर्टेबल कि भाई ये गेम कैसा है, मोस्टली सबको पता है कि ये गेम कैसे वर्कआउट होगा, ठीक है। अब मैं आता हूं, हाँ बोलिए। राइट नहीं जी, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। देखिए मैंने है ना वो एक सॉफ्टवेयर लिया था, मैं सॉफ्टवेयर का नाम बताऊंगा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया था और वो सॉफ्टवेयर पूरा हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट करता था। पर उसमें कैसा होता था कि पर ऑर्डर वो लोग 3 रुपए लेके जाते थे, पर ऑर्डर 3 रुपीज नॉट अब देखते। बट आप इन्वेस्टमेंट्स देखने जाओगे ना तो या अमेजोन को दिया, या वो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी को दिया, या जीएसटी वाले को दिया, या अकाउंटेंट को दिया, फिर अपना सारा खर्चा सब निकालना। तो ये करते करते सब जगह पैसा इतना इन्वेस्ट हो जाता था, ठीक है। जिसके पास पैसा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है उसको तो इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी वाला सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा। सी व्हेन यू आर गेटिंग 1,000, 2,000, 3,000 ऑर्डर्स अ डे और एंटायर मंथ, इफ यू आर गेटिंग 10,000 ऑर्डर्स देन यू हैव टू टेक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यू कांट डू एनीथिंग, आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा है। बट वो कब हो जाएगा कि आपके पास एक टीम भी है तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये वाली चीज में ऐसा कि व्हेन यू आर इन दिस स्टेज, जैसे उल्लास जी का काफी बड़ा बिजनेस है, तो उनको तो वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर क्या दिखाता है कि मेरे 4 प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ठीक है। वो चारों प्लेटफॉर्म्स को वो एक में कंबाइन करता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, ओएमएस गुरु, याद आ गया नाम, ओएमएस गुरु। आप देखना ओएमएस गुरु का हमने दिया था 5,000 या 10,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन, वो क्योंकि मेरे को 2,000 ऑर्डर एक महीने में ही आ गए थे तो वो एक्सपायर हो गया था। पर वो सॉफ्टवेयर सब कुछ दिखाता है, जैसे कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर, ये इसके अंदर कितने रुपए मिले, मेरी कितनी इन्वेंटरी कम हुई, और वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये दिखाता है कि अब मेरे पास इस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है। मैं अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युअली जो भी ऑर्डर आता है ना हम लोग मैन्युअली हर 2 दिन में अपडेट करते हैं। जैसे मेरा इमिटेशन का चलता है तो मेरे पास 4 लाख रुपए का ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है मेरे घर के अंदर इमिटेशन ज्वेलरी का। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, जो ऑर्डर है उस एसक्यू के, जो ऑर्डर है उस एसक्यू को की प्रिंट निकाल के एक एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं कि आज के दिन में इसके इसके ऑर्डर है, और जो हमारा टोटल एसक्यू लिस्ट है उसमें से वो डिडक्ट कर देते हैं, नंबर माइनस कर दिया, तो इस हिसाब से हम हैंडल कर रहे हैं पूरा इन्वेंटरी, समझे। ओके देखो ये तो आपको क्लियर पता चल जाएगा ना। एक चीज मैं बताता हूँ, आपके इनहाउस में जब प्रोडक्ट आता है आप कहीं से परचेस करोगे, ठीक है, वो आपको टोटली बिल देगा कि ये प्रोडक्ट इतने लिए। मैंने तो मेरे यहाँ सच बताऊं, मैं मेरे पास सेफ्टी में ऐसा रखा हुआ है कि मेरे पास कैमराज भी मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। आपको आपको ऐसा है कि अगर चोरी ना हो तो 5-10 हज़ार कैमरा के पीछे खर्चा कर लो, अपार्ट फ्रॉम दैट। हाँ राइट ओके ओके फाइन फाइन देखो यार नितेश जी, एक चीज तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे वहां भी देखो 3-4 लोग होते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर ही काम होता है, सच बताओ तो। मैं
हाँ तो ट्रस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो 10 में से एक इंसान तो चोर हर जगह निकलता है, ठीक है। तो अब कैसा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिजनेस करते होंगे करोड़ का, तो उसमें भी चोरी होती ही होगी, ऐसा तो नहीं है। हम लोग नाइक और रिबॉक ही देख लो ना, नाइक और रिबॉक की भी चोरियां होती है ना, डुप्लीकेट्स या वन फर्स्ट कॉपी कितनी मार्केट में बिकती है। तो वो चीज तो कैसा है कि इट्स अ ट्रस्ट फैक्टर, यू हैव टू बिलीव ऑन योर एम्प्लॉयज, ऐसा है। बट वही है कि कैमरा लगा दो, और आपकी जो भी इन्वेंटरी आती है तो समझ लो आपने 6,000 पीस भी कोई भी चीज की लिए, तो वो तो स्टॉक मेंटेन तो होगा ना, उसको प्रॉपर वे में, मतलब या तो फिर ऐसे करिए कि हम लोगों ने क्या किया, मैं बताऊं मैं आपको, हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट रखने के लिए वो क्या बोलते हैं, पतरे के लोखंड के क्या बोलते हैं उसको, देखो रैक, हाँ रैक टाइप लिया है, रैक टाइप से फिर वापस क्या किया है पता है, हर चीज का ये बोल कर दिया है, पार्ट कर दिया है कि इयररिंग्स होगी, पार्टीशन लगा दिया कि इयररिंग्स तो यही रैक में इयररिंग्स, मतलब रैक नंबर 1 में पूरी इयररिंग्स। फिर समझ लो दिवाली के कोई प्रोडक्ट्स है, तो दिवाली के अगर रैक में 4 बॉक्सेस है, तो ये बॉक्स में थालिया होगी, सेकेंड बॉक्स में तोरण होंगे, थर्ड बॉक्स में ये होगी, तो उस हिसाब से मेंटेन होता है कि जो प्रोडक्ट जहां पे पड़ी है तो सीधा उस रैक में गए, वहां से वो प्रोडक्ट उठा ली, समझे आप। यस तो वो तो आपको कैसा है कि अब कैसा है कि मेरी मेरे साथ जो मेरी पार्टनर है ना, वो हर चीज में बहुत सिस्टमेटिक है। मेरा तो कैसा है, यहाँ रख दिया वहां रख दिया कहीं पे कुछ छोड़ दिया, मेरा काम ऐसा है, ठीक है। बट वो सिस्टमेटिक है, वो एक सिस्टम से फॉलो करती है, और तो मेरे को है ना उसके हिसाब से काम करना ही पड़ता है, नहीं तो वो मेरे को घर में नहीं आने देती, ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद काम करते करते 1-1.5 महीना में मैं एक प्रोसेस में चला हूँ, एक सिस्टम मैंने समझी है, और मैं भी उसको अब उस चीज से फॉलो करता हूँ, ऐसा है। बोलिए। हाँ श्योर श्योर, आप बिंदास। हाँ बोलिए रेशमा। देखो रेशमा, सी आई एम नेवर कंफर्टेबल फॉर सेलिंग थ्रू एफबी है, ठीक है। आपने शायद किसी के वीडियोस देखे होंगे, किसी ने आपको गाइड बताया होगा कि एफबीए करके अमेज़न का सर्विस है, ठीक है। बट भावना भावना है कि नहीं यहाँ पे? हाँ भावना है शायद से। भावना भावना प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस फॉर एफबीए। तो रेशमा कैसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें ये तो हो जाएगा हमारा। हाँ मेरे को पता है। हाँ बट कैसा है कि इसके अंदर भी आप कुछ कर सकते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हायर समवन इंटर्न, वो इंटर्न्स ढूंढ लीजिए जो आपके लिए काम करेगा, उसको क्या होगा, उसको सीखने भी मिलेगा, ठीक है। श्री रेशमा, हम लोगों ने जब फर्स्ट लाइफ में जॉब की होगी, कहीं पे भी कुछ काम किया होगा, तो वी हैड टू वर्क फॉर फ्री, सीखने के लिए कभी कुछ 2-3 हजार रुपए भी इंटर्नशिप में मिले होंगे, ठीक है। और यू फाइंड समवन लाइक दिस, या तो फिर आप सही, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आप कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें इन्वेंटरी कैसा पूरा अमेजोन हैंडल करता है, आपको एक बार जितना भी स्टॉक होता है, जैसे ये चीज हो गई, तो अमेजोन क्या करेगा, आपको एक स्टिकर देगा, वो स्टिकर आपको इस पे लगा देना है, अमेजोन ये प्रोडक्ट को उस स्टिकर से वो आइडेंटिफाई करेगा। मतलब मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, आप मॉल में जाते हो, डेरी मिल्क के पीछे एक बारकोड होता है, तो हर डेरी मिल्क के पीछे, डेरी मिल्क मतलब अगर डेरी मिल्क सिल्क लोगे तो बारकोड अलग होगा, डेरी मिल्क बबल लोगे तो बारकोड अलग होगा, डेरी मिल्क कैश्यू नट वाली लोगे तो बारकोड अलग होगा, हर एक के इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो डेरी मिल्क से आइडेंटिफाई नहीं करते, वो लोग वो बारकोड से वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो अमेजोन भी क्या करेगा कि इसका एक एसकेयू नंबर आप जो बनाओगे, और अमेजोन उसके खुद का एक एसकेयू नंबर बारकोड वाला आपको देगा, वो स्टिकर आपको लगाना है, अगर कोई भी ऑर्डर आया है तो अमेजोन वो बारकोड की वो प्रोडक्ट सर्च करके पैक करके कस्टमर को भेजेगा। रेशमा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। आपको आपका जो भी स्टॉक है वो आपको अमेजोन के वेयरहाउस पे भेजना है, ठीक है। वो प्रोडक्ट अमेजोन 10 से 15 दिन में लाइव भी कर देगा, जो भी स्टॉक कर रहे हो, ठीक है।
तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। 6 महीने में जो नहीं बिका वो अमेजोन आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। मेनली अपने को, मैंने आपको पहले भी बोला है, प्रोडक्ट हम ऐसे ही करेंगे जो लेस देन 100 ग्राम हो, क्योंकि वहां पे स्क्वायर इंच प्लस स्क्वायर फुट सब जो भी है प्लस जितने दिन रखते हो उसका आपको एक चार्ज लगता है, ठीक है। 1 रुपी पर डे कर लो या 30 प्रोडक्ट के 30 रुपीज पर मंथ कर लो, तो ये आपको बाद में ही पता चलेगा एक बार आपको प्रोडक्ट पहुंचेगा उसके बाद। राइट, अच्छा ओह माय गॉड, हाँ सही बात है, हाँ मतलब सी, हाँ बोलिए, राइट राइट आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब आपने आपको स्टॉक भेजा होगा, राइट, हाँ सो कस्टमर इज गेटिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। हाँ भावना टेल मी, हाँ बोलिए, राइट यस यस हाँ बेटर राइट सी आई वुड टेल यू गाइस घनश्याम जी रेशमा रोहित आई वुड टेल यू भावना बॉट अ स्टॉक फ्रॉम चाइना, ठीक है, चाइना से स्टॉक लेके आए थे और इन्होंने बेंगलोर में मंगवा के वो स्टॉक एफबी में भेजा था, तो उनको इतने ऑर्डर्स नहीं आए एंड शी वेंट इन अ लॉस ऑफ 45,000 to 50,000 rupees। आज भी स्टॉक उनके पास है, लोकली उन्होंने काफी मार्केट में दिया हुआ है, बट वही है कि उनको पैसे वापस भी उन स्टॉक के जल्दी नहीं मिल रहे, सो शी स्टक समवेयर। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी जो करो बहुत सोच समझ के करना, ठीक है, एक बार मेरे को पूछना, आई विल गिव यू अ राइट आंसर कि कितना करना है, क्या करना है, कितने तक करना है, अपने को कहीं पे फंसना नहीं है, पैसा अपन बहुत मजदूरी से मेहनत से कमाते हैं, ठीक है, बट इसमें मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आपको वेज इतने सारे मिल जाएंगे अमेजोन में सेल करने के लिए, इतने सारे प्रोडक्ट्स अपन नेक्स्ट अपनी मीटिंग्स होएगी, जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे पास आएंगे मैं बताते जाऊंगा, अभी मेरा आगे का फोकस पूरा टी शर्ट पे जा रहा है, हाँ टी शर्ट का भी मैं बताऊंगा, टी शर्ट में भी 3 टाइप्स के मशीन आते हैं, हम लोग विनाइल प्रिंटिंग में घुस रहे हैं, विनाइल प्रिंटिंग में टी शर्ट का मशीन का खर्चा टोटल खाली मशीन का ही खर्चा 51,000 rupees है, ठीक है, और उसके बाद 50,000 आप टी शर्ट के समझ लो, तो 1,00,000 rupees में आप खुद मैन्युफैक्चर बन जाओगे टी शर्ट प्रिंटिंग में। टी शर्ट प्रिंटिंग का भी बहुत सही सा बिजनेस है, आप बेवकूफ.com देखो, बेवकूफ.com इंडिया की आज की तारीख में टी शर्ट में नंबर 1 वेबसाइट है, ठीक है, ये टी शर्ट गीता योर वॉइस इज नॉट क्लियर, गीता इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि टी शर्ट्स में डिजाइन हमको कोई डिजाइनर हायर करना पड़ता है एंड उनको बोलना पड़ता है कि मेरे को ऐसे ऐसे टाइप्स की डिजाइन चाहिए, जैसे मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था आपको अगर याद हो तो, 8-10 डिजाइन जो मेरा फ्रेंड सेल करता है, वो डिजाइन कैसे थे, एवेंजर्स के थे, एवेंजर्स का लोगो था, सो वॉट यू नीड टू डू इज दैट गूगल इट, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ डिजाइन, वॉट एवर डिजाइन यू लाइक गेट देम डिजाइन, उस टी शर्ट को डिजाइन करवाओ और उसकी कोरल फाइल आपको लेनी है, कोरल फाइल आपको आपका डिजाइनर देगा, क्योंकि कोरल फाइल से ही वो टी शर्ट पे वो हीट सब्लिमेशन प्रिंटिंग होता है, मतलब उसका एक विनाइल कटिंग मशीन आता है, वो विनाइल कटिंग मशीन क्या करता है, हमारा जो डिजाइन है, जैसे मैं कल गया था मेरे प्रिंटर के वहां, तो मैंने किसी ने ना एफिल टावर की डिजाइन प्रिंट करवाई थी, तो मैं 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसने मेरे को ये दिखाया, ये देखो ये मेरा डिजाइन है, विनाइल कटिंग इसको इस वे में कट करता है, तो वो मशीन ही वैसा आता है कि आपका डिजाइन जिस तरह का होगा वो आपको उस हिसाब से कट करके देगा, अगर आपका कोई छोटा सा लोगो है रिबॉक या नाइक का, तो नाइक या रिबॉक का वो मशीन आपको ऐसे कट करके देगा, नाइक और रिबॉक क्या करते हैं, वो जो नॉर्मल टी शर्ट जो उनकी आती है वो विनाइल प्रिंटिंग टी शर्ट है जो आप वहां से लेके आते हो 499 या 699 में, वो टी शर्ट जो होती है वो उनको शायद कॉस्टिंग में बोलिए,
नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि मैंने अभी जो वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, वो वन ऑफ द प्रोसेस था थर्ड वर्ड. इसमें ना तीन टाइप की मशीन आते हैं. मैं जो मोस्टली सोच रहा हूँ वो सेकेंड पार्ट जो विनाइल प्रिंटिंग आता है, मैं वो लेने की सोच रहा हूँ. विनाइल थर्मल, विनाइल प्रिंटिंग और थर्मल सब्लिमेशन. और मैंने जो वीडियो शेयर किया था वो DTF था. DTF का मशीन करीबन समझ लो ना 6-7.5 लाख रुपए का आता है. बट उस मशीन में क्या है, वो 4 कलर प्रिंटिंग करता है. 4 कलर मतलब आप मॉल्स में जाते होंगे तो आपको वेरियस कलर्स के मतलब टी शर्ट के ऊपर आपको मल्टी कलर वाले जो टी शर्ट होते हैं ना वैसे दिखते होंगे. तो वो मैंने जो वीडियो शेयर किया है ना वो मशीन मल्टी कलर टी शर्ट प्रिंट करता है. और विनाइल में कैसा कि सिंगल कलर ही प्रिंट होगा. कोई भी टी शर्ट जो होगा उस पर वो सिंगल कलर ही करके देगा. उसका एक रोल आता है जैसे नहीं हम लोग 6 लाख वाला, हम लोग 18 और 33 लाख का, हम लोग जो लेने वाले वो 51,000 वाला मशीन है. करीबन एक गीता करीबन 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है टी शर्ट प्रिंटिंग में. बट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि मेरे को है ना टी शर्ट प्रिंटिंग में थोड़ा मेरे को संकोच कहाँ पे हो रहा है बताऊँ आपको, क्योंकि उसमें स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल डबल एक्सेल 5 डिजाइन हो गई. ठीक है, तो किससे? हाँ राइट. घनश्याम जी कुर्ती का आपका कैसा चलता है बताइए ना. आप जो क्लोथिंग का बिजनेस करते हो ना, कुर्ती आप बांधनी वाले कुर्ती जो करते हो जो गुजरात की फेमस है, तो टेल एवरीवन दैट हाउ इट इज गोइंग ऑन और रिटर्न क्या है प्लीज सबको बताइए. नहीं, ये लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि रिटर्न क्या है. हाँ बोलिए गीता. हाँ सही बात है. मैं हाँ घनश्याम जी मैं आपको वापस बोलूंगा कि आप है ना जेतपुर करके जगह है. जेतपुर इज अ वेरी फेमस प्लेस इन गुजरात. वो जो टोटली बांधनी प्रिंटिंग में है जेतपुर आप सर्च करना. आपको इंडिया मार्ट पे जेतपुर करके जो जगह है ना वो आपको बांधनी के लिए सबसे बेस्ट लगेगा. मैंने आपको कुछ डिजाइन भी भेजे थे, वो किसी जेतपुर वाले बंदे ने ही मेरे को भेजे थे. बट कैसा है कि मेरे को कपड़े में इतना समझ नहीं आता और वो मेरे को रेयन पकड़ा दे या कॉटन पकड़ा दे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था. मैंने वो काफी लोगों से बात तो की थी बट एट द एंड कैसा है कि आपको ही आप डायरेक्ट बात करोगे तो आपको ही पता चलेगा. घनश्याम जी मैं आपको क्लियर बताऊँ, आप जेतपुर वालों से बात करिए, जेतपुर या सूरत या राजकोट, ये 3 जगह है. और उनको बोलिए कि मेरे को एक सैंपल भेजो कपड़ों का. ठीक है, वो सैंपल कुर्ती का भेज दो. हाँ दे विल सेंड अवर सैंपल. बट हाँ समझ गया वो तो मैं आपको. या तो फिर आपको है ना उसका फोटो चेंज करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर. ओके इट इज वेरी वेरी गुड. डेली 5-6 मतलब दिन का महीने का 150-200 प्रोडक्ट हो गया आपका.
हाँ राइट राइट ओके हाँ एसबीआई में तो बहुत हाँ सप्लाई सप्लायर पे ही है हाँ हाँ मतलब गिटार हाँ वो क्यों चल रहा है घनश्याम जी वो क्यों चल रहा है मैं आपको बताऊंगा ये मिशो और ग्लोरोड है ना एक बेस पे चलते हैं मतलब कैसे कि जो रीसेलर्स है ना वहां पे आपके आके प्रोडक्ट की आपके रिव्यूज देते हैं तो कस्टमर क्या होते हैं मीशो और ग्लोरोड में मैंने ज्यादातर देखा है कि वो रिव्यूज पढ़ के वो प्रोडक्ट वापस बाय करते हैं तो और मीशो और ग्लोरोड कैसे कैटलॉग पे चलता है कैटलॉग एक बार रैंकिंग में आ गया तो वही प्रोडक्ट के आपको ऑर्डर आते रहते हैं मीशो और ग्लोरोड में ऐसा है समझा सही बात है हाँ सही बात है सही बात हाँ वो मिस लगते तो अच्छा हाँ तो राइट 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 हाँ ये ओडिशा में रहते हैं ओडिशा में भी कोई तो जगह है वहां पे रहते हैं गीता तो इसमें इसलिए कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर को जाके मिल सकते हो ठीक है और आप आई टू आई चीज अगर देख सकते हो और फील करके आप ले सकते हो तो ही आप इसमें घुसे किसमें क्लोथिंग में घुसने का बाकी इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्क कि आपको बोलेंगे कॉटन और दे देंगे पॉलिस्टर या रेयन कुछ और पकड़ा देंगे बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हाँ 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 तो उसने क्या हाँ तो उसने क्या किया होगा मैं यही चीज बोल रहा हूँ लोग कुछ लोग क्या करते हैं एक ही प्रोडक्ट के 100 डिफरेंट एसक्यूज बना देते हैं और उसमें क्या करते हैं समझ लो ना कि किसी में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया किसी में ये चेंज कर दिया क्या बोलते हैं बुलेट पॉइंट चेंज कर दिया किसी में टाइटल चेंज कर दिया और उसी प्रोडक्ट के अंदर वो लोग वेरिएशन भी कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ किसी में 25 का पैक किसी में 50 का पैक किसी में 75 का पैक किसी में 100 का पैक 200 500 1000 तो उसके शायद देखिए ना आपको वेरिएशन में देखिए कैंडल में ये चीज आप कर सकते हो कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको 500 भी चाहिए कुछ लोग होते हैं जिसको 25 कैंडल्स ही चाहिए समझे तुम हाँ, एक चीज मैं बता रहा था मेरे को है ना टी शर्ट से ज्यादा काफी अच्छा मग में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर लगता है ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कल मैं फर्स्ट टाइम कल प्रॉपर है ना ये वहां पे गया था क्या बोलते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग के जहाँ फैक्ट्री पे गया था तो मैंने वो भी कंपेयर किया और मैंने मग प्रिंटिंग भी कंपेयर किया तो मग प्रिंटिंग इज वेरी मच इजी टी शर्ट में कैसा है कुछ लिक्विड लगाना पड़ता है वो जो मैं शायद मैंने वीडियो में भेजा होगा तो आपने देखा होगा और उसके लिए है ना आपको मजदूर भी एक रखना ही पड़ता है तो एज कम्पेयर टू दैट मग्स में कैसा आप खुद भी कर सकते हो 2 या 3 मिनट में एक मग प्रिंट हो जाता है मग्स में भी ऐसा है मैंने तो कितनी बार बोला है जिसको मग करना है 25 30 35 40 थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट कर लो
कम से कम आपके है ना नॉर्मल कोट्स वाले मग भी बना दोगे ना, डिजाइन करना है उसमें आपको पहले तो प्रिंट करना ही नहीं, ऑर्डर आए तो प्रिंट करना है, डिजाइन रेडी करवा दो 500 to 1000, ठीक है, किसी भी कोरल वाले को हायर करके उसको बोलो कि भाई मेरे को एक महीने में तो 1000 डिजाइन बना के दे, भले आपका 10000 रुपए या 15000 रुपए उसके पीछे खर्चा रहता है डिजाइनर का, बट वो आपको ऐसा रिटर्न देके जाएगा ना। और मग्स का भी ऐसा है कि कोर्स वाले मग, टीचर ब्रदर सिस्टर पॉजिटिव कोर्स थॉट्स लव सब कुछ मग्स में चलता है। अपने ग्रुप में कनिका है, कनिका का पूरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसने मग्स में से पैसा निकाल लिया। आई गेस कनिका है कि नहीं मुझे पता नहीं है, कनिका हो आप? नहीं आई गेस कनिका नहीं है। हाँ कनिका बताइए ना, बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली राखी में। तो मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही है, मैं टी शर्ट भी कर सकता हूँ और मग भी कर सकता हूँ। मग तो ऑलरेडी मैंने पहले किया हुआ है, पर मशीन लेके नहीं किया हुआ है। मशीन लेके करो तो मेरे को एक मग की कॉस्ट 55 to 60 रुपीस घर में के अंदर पड़ती है, वो आराम से 199-299 तक जाता है। कॉम्बो में बेचो उसको भी थाली के साथ तो भी चलता है। आगे आपके ऊपर है क्या डिसीजन लेके आपको क्या करना है। अच्छा आज के लिए अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, पूछ लीजिए मेरे को। दिवाली प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। No one has any question? हाँ रेशम बोलिए। हाँ अगर आपको कोई बड़ी कंपनी जो वो प्रोडक्ट बनाती है आपको पता है कि जो ऑलरेडी पुणे में है, ठीक है, तो आप क्या करिए उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए आपके पास से, मेरे को सेल करना है। मेक श्योर के वो बंदा वो लोग ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से जो बड़ी कंपनीज है अब कैसा हो रहा है कि मोर बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रही है, उसके पास जाए पूछिए कि आप लोग सेल कर रहे हो कि नहीं। वो लोग अगर सेल कर रहे हो तो उनके पास से आपको ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। वो लोग अगर आपको प्रोडक्ट देंगे तो ऑथराइजेशन लेटर भी देंगे कि हाँ आप हमारी प्रोडक्ट बेच सकते हो, ठीक है, तो ये चीज उनको पूछ लेना, ठीक है, वो देते हैं। और प्लस ये भी चेक करना कि उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स अमेजोन पे क्या रेट पे बिक रहा है, ठीक है, इज इट वर्थ इट टू सेल इट ऑन अमेजोन, कि भाई इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा फंस ना जाए, ठीक है। ये समझ लेना कि आपको अगर प्रोडक्ट कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी 200 रुपए में जो प्रोडक्ट दे रही है तो आप 750 रुपए में बेच सकते हो कि नहीं, ठीक है। मैं एक दो दिन से एक दो और प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ कि मैं ना पिलोज सर्च कर रहा था कल, तो पिलोज में कैसा है कि नॉर्मल पिलोज मैंने देखे 199 रुपीज में मेरे को चालू दुकान में मिल जाते हैं, 199 ऊपर कॉस्टिंग करते जाओ 700-800-1000 रुपीज तक के भी पिलो देखे। अब मेरे को क्या हो गया कि मैं जहाँ से ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स लेता हूँ ना वहाँ पे मेरे को एक पिलो मैन्युफैक्चरर मिल गया, मैं उसके वहाँ गया, ठीक है, मैंने लेबल्स देखे MRP के, तो मैंने उसको पूछा कि ये पिलो 299 लिखा है तो आप क्या रेट पे देते हो, तो उसने मेरे को बोला आपको उसके 10 पीसेस लेने पड़ेंगे और ये पिलो आपको पड़ेगा 87 प्लस GST। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को वन टाइम के लिए मेरे पर्सनल घर के यूज़ के लिए चाहिए तो आप दोगे एक दो पीस, तो उसने ना बोला, तो मेरे को बोले 10 पीस तो आपको लेने ही पड़ेंगे, पर मैं बोला घर के यूज़ के लिए तो अच्छे होने चाहिए ना। फिर मेरा दिमाग क्या हो गया चलने लगा कि भाई अगर अच्छा वाला पिलो है मैं अमेजोन पे भी बेचूंगा तो क्या रेट में जाएगा। तो मैंने उसको पूछा कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का पिलो क्या रेट है, ठीक है, तो उसने मेरे को बताया कि एक 236 वाला है, एक 286 वाला है और एक 312 वाला है प्लस GST, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला मेरे को एक सैंपल दिखाओगे, तो उसने मेरे को दिखाया यहाँ पे कैसा कि नेशनल हैंडलूम करके है ना
एक जगह है नेशनल हैंडलूम, इज अ वेरी बिग रिटेल स्टोर इन जयपुर, जोधपुर एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो मैं जाके मतलब मेरे मैन्युफैक्चर के वहां से उसके वहां नेशनल हैंडलूम में सप्लाई हो रहा था, तो 312 पर जीएसटी वाला पिलो, उसके ऊपर प्राइस लिखी थी 1299 एंड आफ्टर डिस्काउंट वो प्रोडक्ट 900 रुपीज में नेशनल हैंडलूम में बिक रही है। सो मैंने एक आइडेंटिफिकेशन कर ली कि बॉस मेरे को पिलो का अभी काम चालू करना है, ठीक है। अब मैं वो कब करूँ वो थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा है, बट इफ मार्जिन प्रॉफिट इज गुड तो करने में क्या दिक्कत है, ऐसा है। तो आइडेंटिफाई तो आपको ही करना पड़ेगा, क्या प्रोडक्ट करना है, कैसे करना है, कहाँ से ढूंढना है। अगर आपको प्रोडक्ट्स के वेंडर्स आपको वहां मिल जाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आपके लोकल सोर्स से ही प्रोडक्ट्स लो। बाकी फिर मैंने आपको दिखाया कि हम लोग भी प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग करते हैं, तो आपको वहां से भी प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। इट्स ऑलरेडी 1 आवर, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। गीता कोई क्वेश्चन? हाँ नितेश भाई, गीता मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अच्छे तोरण मत देखने जाओ, जो भी तोरण देखने जाओ वो 100 रुपीज तक के प्राइस के ही देखने जाओ, ठीक है। वो क्या है, दे आर नॉट इवन कॉस्टिंग यू। अच्छा सी मैंने आपको क्या बताया, ज्यादातर जो तोरण होते हैं ना, मैं आपको गीता वापस बताऊंगा, मैंने भले इस बार तोरण 120, 100, 150 वाले ले लिए, बट माय मेजर फोकस ऑन तोरण इज 60 रुपीज तक के तोरण लेने के, उसके ऊपर नहीं लेने के, वो भी कापड़ वाले। कापड़ वाले तोरण मतलब उसके अंदर वेलकम या ओम गणेश या लीफ वाला आता है, एकदम सिंपल। कि मैंने जितना लास्ट ईयर सेल किया ना, मेरे को यही लगा कि भाई मोती वाले तोरण में इन्वेस्टमेंट करने में कोई मजा नहीं है, 60 रुपीज का तोरण 150 में चला जाता है, आई एम वेरी मच हैप्पी, मेरे को उसके ऊपर नहीं चाहिए। मैं गीता वापस से वही बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा देखने मत जाओ, इससे अच्छा कितना चीप मिल रहा है एक चीज समझो। मैं आपको बताता हूँ कि वो 50-60 वाला तोरण है ना, मेरे को उससे क्या बोला कि जो भी तोरण है 50-60 रुपीज वाला, वो मेरे को 25 पीसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके वहां मेरे को 10-12 डिजाइन है, हाँ तो हाँ ओके। गीता मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मोती वाले तोरण मत देखो, कपड़े वाले देखना, कपड़े वाले। मैंने आपको वापस से बोल रहा हूँ कि ये देखो, ये वाला तोरण जो है ना, इसके नीचे मोती है, पर ये वाला जो कपड़ा है ना, ये वाला कपड़ा डबल होके भी वो तोरण आपको 60-65 रुपीज में मैक्स मिल जाएगा। लाल कपड़े का तोरण काफी आते हैं जिसमें सिर्फ स्वस्तिक होता है, ओम गणेश लिखा होता है, एक गणेश लीफ का तोरण आता है जो 32 रुपीज का आता है, जिसमें वो ग्रीन कलर का पूरा तोरण आता है। मैं एक लिंक शेयर करूंगा आज के दिन में, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, आप वॉकिंग करके जाते हो आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं मैं, क्योंकि ज्यादातर सप्लाई भी तोरण का यहाँ से काफी जाता है। तो आप देखो, या तो फिर मैंने क्या बताया कि भाई डिजाइन आपको चॉइस करके करना है तो करो, पर एक बार मैंने क्या बोला, 100 रुपीज प्रॉफिट रखने का तोरण पे, उससे ज्यादा नहीं रखने का। 150-200 के तोरण में इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न आएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि भाई यार ये ऐसे कैसे लोग हैं, समझे आप। हाँ नितेश जी बोलिए। मैं आपको बताऊं, मैं है ना इनवॉइस प्रिंट करके नहीं बेचता, मैं इनवॉइस प्रिंट करके नहीं बेचता। अगर कस्टमर मेरे पास मांगता है ना, तो मैं उसको ईमेल मतलब मैसेज, बायर सेलर मैसेज होता है उसमें दे देता हूँ। मैं सिर्फ इजी शिप लेबल। हाँ बोलिए। हाँ
नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मेरा है ना, मेरे तीन अकाउंट्स है ना, उसमें से क्या होता है, एक अकाउंट में ऐसा होता है कि इनवॉइस और ये साथ में निकलते हैं। आप बल्क लिस्टिंग फाइल डाउनलोड करते हो ऑर्डर्स की, ऑर्डर प्रोसेस जो करते हो बल्क में डाउनलोड करते हो या सिंगल सिंगल ऑर्डर करते हो? हाँ, तो इंडिविजुअल में कैसा हो, इंडिविजुअल में तो दोनों साथ में आते हैं। आप मैं आपको ये बोलूंगा कि आप है ना बल्क वाले एक साथ अगर 15 ऑर्डर भी आए हो ना, तो उसकी बल्क लिस्टिंग फाइल डाउनलोड करो, तो आपको सिर्फ है ना वो लेबल ही प्रिंट करके देगा। प्रॉब्लम क्या होगा उसके अंदर, जब आप बल्क लिस्टिंग करोगे तो आपको हर प्रोडक्ट का एसकेयू नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये लेबल में कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है। और मैं और वो जो आपने बताया ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, टीएससी में सेटिंग्स आते हैं, आप है ना उस सेटिंग्स में वो है ना एडोब फोटोशॉप नहीं एडोब एक्रोबेट रीडर में जाके उसके सेटिंग्स चेंज करना। एडोब एक्रोबेट रीडर में मैं शायद अगर जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे को भी ये प्रॉब्लम हुई थी। मेरे वन ऑफ द अकाउंट में कैसा होता था, इनवॉइस और ये साथ में निकलता था, हाँ, तो वो मैं टीएससी के प्रिंटर में मैंने सेटिंग्स चेंज किया था और मेरा हो गया था। वो मैं जल्दी शेयर करता हूँ जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, ठीक है ना। गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर रैप अप करते हैं आज का दिन। आई गेस किसी, हाँ बोलिए घनश्याम जी। रुद्र हैंडीक्राफ्ट का ना, ये कहां पे है? अहमदाबाद में। देखिए ये लोग, मैंने क्या बताया आपको, जितने भी हैंडीक्राफ्ट वाले होते हैं ना, उनके सबके पास स्टॉक होता है, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस पहले नहीं करते, इनके ऑलरेडी पास स्टॉक होता है, वो आपको वो स्टॉक भेज देते हैं, ऐसा होता है। हाँ सही बात है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद ने इन सबको है ना राखी में स्टॉक भेजा था, तो इट टेक्स अराउंड 7 to 10 days टू गेट डिलीवर प्रोडक्ट एट योर प्लेस, ठीक है। तो जैसे हाँ बोलिए, नहीं समझा नहीं आपने बोलो। नहीं, ऐसा नहीं होता, रेडी। हाँ घनश्याम जी, मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं, हाँ आई गॉट योर क्वेश्चन, मेरे को अब पता चला आपका क्वेश्चन क्या है, कि आपने मेरे को ये बोला कि प्रशांत भाई मैं जो उनको ऑर्डर देता हूँ, उन्होंने ऐसा बोला कि 5-6 दिन लगेगा स्टॉक रेडी होने में। तो मैंने क्या बताया कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट वाला है ना, ठीक है, जिसके पास से मैं लेता हूँ, उसके पास ऑलरेडी सब स्टॉक अवेलेबल होता है, और हर चीज का मतलब हमारा जो सप्लायर है उसके पास करीबन हैंडीक्राफ्ट 1000 प्रोडक्ट होगी, और हर चीज के 100-200 पीसेस होते हैं। मैंने वीडियो शेयर किया था आपको, अगर आपने देखा हो ग्रुप के अंदर, तो मैंने क्या बोला, सप्लायर ऐसा ही ढूंढो जिसके हु इज अ स्टॉकिस्ट, ठीक है, जो स्टॉकिस्ट है। नहीं तो आप एक काम करो, देखो रुद्र हैंडीक्राफ्ट का एड्रेस मेरे को भेज दो, अहमदाबाद में जहां पे जगह है ना, मैं जाके देख के आता हूँ, ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद में सागर, राहुल और एक संशार करके एक जगह है, ये तीन जगह ही है जो सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो या तो फिर आप मेरे को एक बार बोल दो, तो मैं आपको जाके बता दूंगा कि भाई ये स्टॉकिस्ट है कि नहीं है, समझा। हाँ तो फिर आप अपन, हाँ बोलिए, हाँ हाँ नहीं, इसलिए मैं तो मैंने आपको बोला, या तो फिर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ घनश्याम जी, अगर आपको आप हैंडीक्राफ्ट में तोरण अगर करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली दिल्ली में हमारे ग्रुप में फागुन करके लड़की है, ठीक है, आप उसको कांटेक्ट करिए, उसके डिजाइन मैंने एज अ पीडीएफ शेयर किए थे, आपको जो भी ऑर्डर देना आप डायरेक्टली उसको दे दो, बिकॉज वो लोग पूरे पूरा पूरा साल वो तोरण बनाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ मैं भेज देता हूँ आपको पर्सनल, फागुन का नंबर ही भेज दूंगा, तो आप उससे बात कर लेना, मैंने फागुन को ऑलरेडी बोल तो दिया है, तो
तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? ओके बॉस। गाइस तो चलिए आज का सेशन रैपअप करते हैं, ऑलरेडी इट्स 9:05। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली हाँ, एक चीज और बताता हूँ। मोस्टली अपन ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में वी विल हैव अ सेशन विथ नीतिका। नीतिका के साथ सेशन होगा ट्रेडमार्क रिलेटेड, ट्रेडमार्क क्यों करना चाहिए हमारी प्रोडक्ट्स, क्या बेनिफिट्स है ट्रेडमार्क्स के लिए, अमेजोन के लिए क्या फायदेमंद है ब्रांड रजिस्ट्री करना, लॉन्ग टर्म में ये अपने को क्यों फायदेमंद रहता है। आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेक अ लिस्ट सो वी कैन आस्क इट टू नीतिका। मैं मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस बना ही रहा हूँ, मी एंड आचल आर वर्किंग ऑन इट एंड मोस्टली वी आर प्लानिंग आउट कि नेक्स्ट वीक में मॉर्निंग संडे 10 AM आसपास ये मीटिंग रखे एज पर नीतिका जो भी बोले, ठीक है? तो आई विल अपडेट यू ऑन दिस थिंग। मोस्टली सैटरडे या संडे नेक्स्ट वीक ही रखने का मैं सोच रहा हूँ, जब भी होता है मैं आई विल अपडेट एवरीवन 3-4 days अर्लियर। और ये मोस्टली अपन ओपन रखेंगे सबके लिए क्योंकि सारे मेंबर्स अपने आ सके और ज्यादातर लोगों को ट्रेडमार्क करना क्यों जरूरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। गाइस तो आज के लिए वी आर रैपिंग अप दिस सेशन, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और बाकी जो भी चीजें होगी मैं ग्रुप में शेयर करता रहूंगा, ठीक है? ओके ओके बॉस, चलो या बाय।